तालीम मुनक़िद की आज आप लोग पसंद कर रहे हैं, और साथ साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस और गज़ा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत भी कर रहे हैं और वहाँ पर पीस का भी मुतालबा कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट हो रही है। एक तरफ हम अपने बुनियादी मकसद से और अपने जो हमारे नज़रियात हैं उनसे भी पीछे नहीं हट रहे। ज़िंदगी में याद रखना कि कभी भी इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के पीछे, ये सब ज़िंदगी के हिस्से हैं, ये सब ज़िंदगी के हिस्से हैं कि आप एंटरटेनमेंट भी करें, अपनी पढ़ाई से भी कमिटमेंट रखें, अपने मरीजों के साथ भी कमिटमेंट रखें और अपने नज़रियात के पीछे ना हटें। जो लोग नज़रियात से पीछे हट जाते हैं उनका इंसान होना या ना होना बराबर होता है। जितनी भी आप नमाज़ें पढ़ लें, रोज़े रख लें, लेकिन अगर आप बुद्धि इंसानियत के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर आप जो है वो आप नज़रियाती तौर पर सही नहीं है। ना आपकी नमाजें कबूल होंगी, ना आपके रोज़े कबूल होंगे, ना कोई और इबादत जो कर रहे हैं वो कबूल होगी। तो लाजमी ये बात है कि आप मजबूती से खड़े रहें, जो भी मसले आए ज़िंदगी के वो आते रहें। मगर देखिए, मेरा भी बहुत ताल्लुक है, अभी मैं MRCS के एग्ज़ाम दे रहा था, वहाँ पर भी बात हुई तो मैंने सब अंग्रेज़ों के सामने कहा, मैंने कहा मैं आपकी हुकूमत के मौकफ़ से बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर जुल्म हो रहा हो उसके ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए। अब ठीक है, भले वो फिर बुरा माने या जो भी समझे, लेकिन हम अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मुश्किल आए चाहे कुछ आए। उसके साथ साथ पढ़ाई भी जारी रहेगी, उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट भी रहेगी, लेकिन नज़रियात भी जारी रहेंगे। आप लोगों का आप लोग इंजॉय करें इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। आप सबका शुक्रिया।
Thank you.